बात आगे बढ़ते हुए अब मिशन चंद्रयान 3 की, जो कि पूरी तरह से तैयार है लॉन्च होने के लिए। बाहुबली रॉकेट से आज दोपहर 2:35 पर चांद के लिए उड़ान भरी जाएगी। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्टेशन में चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के लिए 25.5 घंटे का काउंटडाउन आज दोपहर पूरा हो जाएगा। 1:05 पर शुरू हो जाएगा और फिर 2:35 पर इसकी लॉन्चिंग होगी। मिशन की सफलता के लिए इसरो के वैज्ञानिक तिरुपति मंदिर भी पहुंचे। पूजा के लिए वैज्ञानिक चंद्रयान 3 का मिनिएचर मॉडल अपने साथ लेकर गए। तो चांद को छू लेने की हसरत अब पूरी होने वाली है। चंद्रयान 3 मिशन से दुनिया की तस्वीर बदलने वाली है। स्पेस तकनीक में भारत की बुलंद तस्वीर से दुनिया को बड़ा फायदा होने वाला है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखें। हिंदुस्तान एक बात का ध्यान रख रहे हैं, पिछली गलतियों से सबक लेते हुए इस बार की लॉन्चिंग बहुत ही खास है। 2019 में चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया गया था, लेकिन आंशिक सफलता ही मिल पाई थी। लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग में कुछ गड़बड़ी हुई थी और इसीलिए चंद्रयान 3 मिशन भारत के लिए बहुत ही अहम है। पिछली बार की गलतियों से सबक लेते हुए लगातार काम किया गया है। इस बार मिशन सफल भी होगा और पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की धाती जमेगी। सिर्फ चांद ही नहीं, बल्कि इसरो अंतरिक्ष में हिंदुस्तान को हमेशा आगे रखने में कामयाब होगा। चंद्रयान 3 मार्क 3 से लॉन्च किया जाएगा। मार्क 3 को फैट बॉय भी कहते हैं। मार्क 3 के नाम 6 सफल अभियान रहे हैं। अगस्त के आखिर में चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग होगी। चांद के अज्ञात इलाके में लैंडिंग होगी। हमारे वैज्ञानिक लगातार चंद्रमा पर जाने और वहां पर भारतीय तिरंगा लहराने के सपने संजोते रहे हैं। चंद्रयान 2 की आंशिक सफलता के बाद आखिर कुछ बड़ा तो करना ही है। हम एक बार फिर चंद्रमा की ओर अपने मिशन चंद्रयान 3 के जरिए बढ़ चले, बस धैर्य बन। चंद्रयान 3 मिशन को लेकर हमारे सहयोगी सार्थक पांडे ने मशहूर स्पेस वैज्ञानिक डॉक्टर सेल्वा मूर्ति से खास बातचीत देखी। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग है 14 जुलाई को और ऐसे में देश भर में जो उत्साह का माहौल है वो देखने को मिल रहा है। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए एमिटी के प्रेसिडेंट और डीआरओ साइंटिस्ट डॉक्टर डब्ल्यू सिल्वा मूर्ति जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। धन्यवाद। अच्छा, बड़ा पल है, चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग है और देश के लिए एक बहुत ही उत्साहित भरा पल है। चंद्रयान 2 की भले ही फेलियर हो, लेकिन देश ने एक स्टैंड लिया और अपने आप को प्रूफ करने के लिए एक बड़ा जो मौका है, बड़ा जो प्रोजेक्ट है उसे लेकर आया। कैसे आप देखते हैं इसे? मैं पहले सभी इसरो साइंटिस्ट, टेक्नीशियंस और इंडस्ट्रीज उनके साथ जुड़ा हुआ है इस मिशन में, सबको बधाई देना चाहता हूँ इन एडवांस, क्योंकि इतना मेहनत किए हैं, पूरा मिशन तैयारी किए हैं। मैं बहुत मेरी आशा है, उम्मीद है ये मिशन चंद्रयान 3 बहुत सक्सेसफुल होगा। अभी इस मिशन में वो पूरा सॉफ्टवेयर वैलिडिटी, सब सिस्टम रिगरस टेस्टिंग हो गया। इसको मेहनत करके सभी ग्लिचेस को निकाल दिया और चंद्रयान 3 बहुत इम्पॉर्टेंट होगा हमारे देश के लिए, क्योंकि अभी 3 देश दुनिया में हैं जो वो मून लूनर सॉफ्ट लैंडिंग हुआ है, USA, रशिया, चाइना। सो हमारा देश होगा 4th कंट्री होगा इस एलीट क्लब ऑफ सॉफ्ट लैंडिंग ऑन मून, लूनर सरफेस में, चंद्रमा में हमारा पैर, हमारा लैंडर का प्रोब वहाँ लैंड होगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये 14th जुलाई लॉन्च और 45 दिन के बाद वो लूनर सरफेस में जाएंगे। मेरे उम्मीद है बिल्कुल सक्सेसफुल होगा। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती समय दिया, हर पहलुओं पर आपने दर्शकों को बताया कि आखिर कैसे ये सारा कुछ जो स्पेस में जाने का, अगर यात्रा की बात करें चाहे चंद्रयान 3 की बात करें, कैसे पूरा प्रोसेस होगा। तो हमारे साथ ये ज़्यादा बातचीत के लिए डॉक्टर डब्ल्यू सिल्वा मूर्ति जी जुड़े हुए थे, तमाम जानकारियाँ उन्होंने दी। चंद्रयान 3 की जो लॉन्चिंग है उसको लेकर लगातार देश में उत्साह है, देश में एक हर्षोल्लास का माहौल देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ सार्थक पांडे, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।